तो गाइज रेडमी नोट 11 सीरीज की लीक्स आनी शुरू हो गई है और लोग काफी ज्यादा इसका बेसब्री से वेट कर रहे हैं, क्योंकि करना भी चाहिए, क्योंकि इस बार ये सीरीज आपको काफी इंटरेस्टिंग पैकेज के साथ लॉन्च होने वाली है। तो यार गाइज इसी सीरीज के लॉन्च से रिलेटेड बहुत बड़ा अपडेट है गाइज। कुछ दिनों पहले रेडमी का एक अननोन स्मार्टफोन एमआई डेटाबेस पर स्पॉट हो चुका है और आज की वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले यार एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो राइट, तो यार गाइज मैंने जैसा कि पहले बताया कि कुछ दिनों पहले रेडमी का एक अननोन स्मार्टफोन एमआई डेटाबेस पर स्पॉटेड हो चुका है और बोला यह जा रहा है कि गाइज ये स्मार्टफोन रेडमी नोट 11 सीरीज का स्मार्टफोन हो सकता है। तो इससे ये कन्फर्म होता है कि ये स्मार्टफोन सीरीज एग्जिस्ट करती है और काफी जल्द लॉन्च होती हुई आपको दिख जाएगी। गाइज अगर इसके हायर वेरियंट रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स के स्पेक्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको वर्ल्ड का पहला 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा रियर के अंदर। इसके अलावा 20 मेगापिक्सल की सेल्फी दी जाने वाली है। साथ ही में गाइस इसका डिस्प्ले डिपार्टमेंट भी काफी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इस फोन के अंदर आपको 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसमें 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिली जाएगा। साथ ही साथ गाइस सबसे कमाल की बात तो यह कि यह डिस्प्ले कर्व्ड पैनल के साथ देखने को मिलेगी जो कि ओवरऑल यार फोन की ब्यूटी को काफी इनहेंस कर देता है। इसके अलावा आपको बैटरी के लिए 5000 एमएच की बैटरी प्लस 67 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग आप सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। इसके अलावा आपको कोलकॉम का लेटेस्ट कोलकॉम स्नैपड्रैगन 778G देखने को मिलेगा जो कि भाई काफी पावरफुल प्रोसेसर है जो कि आपको इंडिया में भी 5G के सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अलावा आपको P2i कोटिंग, आयर ब्लास्टर, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये सारे तमाम फीचर तो देखने को मिल जाएंगे। एंड ये स्मार्टफोन आपको आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 13 के साथ देखने को मिल सकता है। तो ऑलराइट, अब बात आती है इसके इंडिया लॉन्च और प्राइसिंग की। तो इंडिया लॉन्च अभी कंफर्म नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड है कि यह स्मार्टफोन आपको मिड ऑफ अक्टूबर तक लॉन्च होता हुआ दिख सकता है। एंड इसके बेस वेरिएंट जो कि 6128 होगा, इसकी प्राइस आपको अराउंड 20K होने वाली है जो कि काफी यार बीस्ट स्मार्टफोन होगा अकॉर्डिंग टू प्राइस और स्पेक्स। तो फ्यूचर में इस फोन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय एंड टेक केयर।